नमस्कार दोस्तों, आज संस्कृत का एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। तो इसका राइट आंसर जाएगा, यानी जो मंगलम पाठ है इसका रचनाकार कौन है, इसको लिखा कौन, मंगलम पाठ को चाणक्य, भवभूति, महर्षि वेदव्यास, इनका पूरा नाम है महर्षि द्रौपायन वेदव्यास। ठीक है ना, तो इसका राइटर मंगलम पाठ की रचना का कौन हुए, तो महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है उपनिषद। उपनिषद के बारे में लोग जानते होंगे कि उपनिषद 108 है। उपनिषद कितने हैं, 108। उपनिषद 108 है, जिसमें कह रहा है उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उपनिषद को मेन रूप से किसमें रखा गया है, कौन प्रधान है। तो इसका राइट आंसर है परम पुरुषस्य, यानी सबसे परम पुरुष है वही उपनिषद की महिमा का ज्ञान यानी बखान करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मण मुखम के आगच्छदित मस्ति, यानी ब्राह्मण के मुख, जो ब्राह्मण होते हैं, देखिए ब्राह्मण यानी कहने का मतलब है कि पुरुषोक्त के बारे में कह रहा है, जिसमें चार जातियां के वर्णन की गई थी। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग है कि केन, जो ब्राह्मण के मुख से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, क्या आया, तो यह हो गया पात्रेन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पात्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्नो अन्यान कह, तो आंसर होगा आत्मा। आगे का महत्व महियान अस्ति, आत्मा का महत्व महियान अस्ति, राइट आंसर आत्मा। अर्नो अन्यान का, तो इसका आंसर तो देख चुके थे, आत्मा ही है। अगला क्वेश्चन है नद्या, इसको पढ़ा जाएगा नद्या, नथा नहीं, नद्या, कुत्र मिलंती, यानी कह रहा है कि नदी कहां जाकर के मिल जाती है, तो नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को भरना है, सत्य सत्य अहिस्या पीहितम, अहिस्या पीहितम मुखम, रिक्त स्थान को भरना है कि सत्य किस मुख से अच्छा लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा हिरण्यम हिरण्यमयन पात्रेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिरण्यम मयन पात्रेन। फिल इन द ब्लैंक्स है, त्वमेव मृत्यु मेति, तो इसका राइट आंसर होगा विदित्वा। ये टेंथ क्लास का क्वेश्चन आंसर संस्कृत का कराया जा रहा है, इससे एक क्वेश्चन भी आगे नहीं आएगा, बिकॉज क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का रीजन है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है, और आप लोग जानते ही भी होंगे एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो दसवां क्वेश्चन है, उपनिदस्य उपनी सदस्य रचनाकार का अस्ति, तो इसका आंसर तो पहले भी हो गया था, महर्षि द्रौपायन वेदव्यास। इसका आंसर क्या है, महर्षि द्रौपायन वेदव्यास, या शॉर्ट में लिखा हुआ है महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद कान प्रकटन्ति, यानी उपनिषद से क्या प्राप्त होता है, क्या ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो आंसर होगा दर्शन शास्त्र सिद्धांतना,
यानी दर्शन शास्त्र की इससे नॉलेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी उपनिषद के अंतिम भाग क्या होता है? वैदिक वाङ्मयस्य, इसका आंसर क्या जाएगा? वैदिक वाङ्मयस्य मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठे, मंगल के पाठ को कति मंत्रा, किस मंत्र में संकलित किया गया है? तो पांचवा मंत्र में संकलित किया गया है। राइट आंसर पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तो महित्याक, पहले भी हो चुका है तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा। किम जनाम, यहां पे किम जनाम न प्राप्नोति, यानी किस चीज से आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकता? असत्यम से, असत्य से कोई भी चीजों की प्राप्त नहीं हो सकती। अगला है किम जायते, यानी क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? तो सत्यम, सत्यम सबसे ज्यादा, सत्य जरूरी है। सत्रहवां क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्नोति, ये पहले हो चुका है, सत्यम, सत्यम से सभी चीज प्राप्त किया जा सकता है। जंतु गुह्याम का निहिता, यानी कि जंतु से क्या प्राप्त हो सकता है? आत्मा। फिर इन द ब्लैंक्स है, नान नृत्तम, नान नृत्तम यानी सत्यमेव जयते नान नृत्तम, सत्यमेव जयते नान नृत्तम। अगला क्वेश्चन है, यथा, फिर इन द ब्लैंक्स है, यशद मानव समुद्रे, यानी जैसे कि सब जाकर के समुद्र में मिल जाता है तो क्या मिलता है? नद्या, नदी समुद्र में जाकर के मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगल पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा महर्षि द्वापायन वेदव्यास। उसी को ये हिंदी में संकलन किया गया है, कि आपको संस्कृत में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस चीज को हिंदी में समझ लीजिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपने देखा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि द्वापायन वेदव्यास। बहती नदियां कहां मिलती है? तो बहती नदियां समुद्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। पहले ही बतला चुका हूं कि उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो श्वेताश्वर अंतर देखने को मिलता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में। मंगलम कहां से संकलित है? तो मंगलम उपनिषद, सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है 10th क्लास का, कि मंगलम कहां से संकलित, यानी मंगलम चैप्टर जो है कहां से लिया गया है? तो मंगलम चैप्टर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम किस में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, द्वापायन वेदव्यास। अणु से छोटा कण कौन है? देखिए, अभी केमिस्ट्री में नहीं चले जाइएगा कि अणु का सबसे छोटा पार्टिकल, वहां अणु का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाता है, मेसॉन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में आपको जवाब देना है कि अणु का सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसको आत्मा बोला जाएगा। कथा किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जय होती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा। हम लोग का जो शरीर है ये जंतु है और इसके हृदय में क्या रहता है? तो इसके हृदय में आत्मा का निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? मुंडकोपनिषद में बताया गया। देखिए, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते भी जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, ये भी कहां से लिया गया है? तो उपनिषद का एक पाठ है जो 108 उपनिषद है, जिसमें से
कोई एक उपनिषद है जिसका स्पेशल स्पेशल जो नामांकन है वो क्या है, मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। आगे देखिए, सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। यानी जब सत्य सदा सत्यम, हमेशा सत्य बोलिएगा, सदा सत्यम वदत, यानी हमेशा जब सत्य बोलिएगा तो आपको इहलोक मिलेगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा, आपको जन्नत नसीब होगा। ठीक है ना, हावेन, हावेन मींस स्वर्गवास, स्वर्ग, तो देवलोक मिलेगा। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, तो मृत्यु को बस में विद्वान कर लेता है। देखिए कैसे, अब मृत्यु को बस में तो नहीं करेगा, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनका कई सालों सालों पूजा जाता है, सालों सालों उनका नाम व्याख्या किया जाता है। तो मृत्यु को प्राप्त भी, मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं, ये कौन करते हैं, तो विद्वान करते हैं। ठीक है, अगला है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन संस्कृत में भी था कि उपनिषद में किस चीज का व्याख्या किया गया है, तो परम पुरुष की व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा के गुढ़, आत्मा के गुढ़ रहस्य, यानी जो गुण रहस्य होता है वो किसमें व्याख्या होता है, तो आत्मा के गुढ़ रहस्य यानी आदमी के बारे में, सत्यमेव जयते के बारे में, ये सब उपनिषद का एक पाठ है, मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें होता है। देखिए यहां था क्या, आत्मा के वर्णन, आत्मा के गुणों का वर्णन कहां मिलता है, तो कठोपनिषद में मिलता है, और यहां पे है इसवास्योपनिषद में मिलता है, इसवास्योपनिषद में मिलता है। परमात्मा का वर्णन इसवास्योपनिषद में, और आत्मा का वर्णन कठोपनिषद में प्राप्त होता है या मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट से पहले है, सत्य की खजाना कहाँ है, तो देवलोक में सत्य की खजाना है। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग काम करना है तो आपको ये याद करना ही होगा, ये सब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ होता है, तो सत्य का मुंह होता है वो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ये क्वेश्चन आपको संस्कृत में भी मिला था। तो आज एक चैप्टर का पूरा के पूरा 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने समाप्त कर दिया। किसी प्रकार के फर्स्ट चैप्टर के लिए कोई गाइड, कोई पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 40 के 40 आप कंप्लीट कर लीजिए। पहला चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां से आगे नहीं आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया, ए टू जेड क्वेश्चन करा दिया गया। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।